बात करेंगे हम आईपी एड्रेस की डिजाइनिंग की। राइट राउटर है, राउटर राउटर जो कनेक्शन है वो टू टाइप से, एक सीरियल केबल पे है और एक फास्ट इथरनेट पे। राइट दोनों पे हम किसी पे भी कनेक्शन ले सकते हैं। जो यहाँ पे है ये आपकी इथरनेट फैमिली पे डिपेंडेंसी है। यहाँ पे मैंने इथरनेट फैमिली कौन सी ले ली, फास्ट इथरनेट, और यहाँ पे कौन सी है सीरियल केबल। सीरियल केबल की जो डिफ़ॉल्ट स्पीड होती है वो होती है 1.544 Mbps, इट इज़ ए डिफ़ॉल्ट स्पीड। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं वो बाद की बात है, बट क्वेश्चन रेज होता है डिफ़ॉल्ट स्पीड क्या होती है, तो डिफ़ॉल्ट स्पीड का आंसर होगा 1.544 Mbps। राइट मोस्टली हमारी कनेक्टिविटी किस पे रहेगी, फास्ट इथरनेट केबल पे। हम कराएंगे दोनों में कनेक्टिविटी, बट ऐसे स्ट्रक्चर होगा। रफ कर रहा हूँ, मेरा जो कनेक्शन होगा वो किस पे होगा, फास्ट इथरनेट केबल पे। आईपी डिज़ाइन करते हैं, राउटर है यूटीपी क्रॉस केबल 192.168.1.1, देन 192.168.1.2। राइट हम किस इंटरफेस पे आईपी डिफाइन की बात करेंगे, फास्ट इथरनेट पे। राइट रूल्स है, यदि यहाँ पे 192 का सबनेट है तो फ्रंट पे भी क्या होगा, 192 का सबनेट। यहाँ पे आईपी क्या डिफाइन किया, 1, तो यहाँ पे 1 प्लस कोई भी आईपी टिल 254 तक आप डिफाइन कर सकते हो, तो मैंने क्या डिफाइन कर दिया, 2। राइट हाउ टू कन्फिगर आईपी एड्रेस इंटरफेस, आपको पता है जो भी चेंजिंग होगी वो कौन से मोड पे होगी, ग्लोबल कॉन्फिगरेशन मोड पर। आईपी एड्रेस 192.168.1.1, ये मैं स्पेस का सिंबल बनाऊंगा, आपको नीड हो तो आप स्पेस डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट आप आईपी डिफाइन कीजिए। राइट ये स्पेस का सिंबल होगा, नीड है तो बना लेना, अदरवाइज डायरेक्ट आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट कमांड होगी नो शट डाउन। नो शट का मीनिंग है इंटरफेस बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डाउन, उसको मैन्युअली क्या करेंगे, अप करने के लिए क्या है, नो शट R1। ये R1 पे डिफाइन किया, अब डिज़ाइन करते हैं R2 को। R1 की जगह यहाँ पे क्या कर दिया, R2, और 1 की जगह क्या कर दिया, 2। प्रॉपर नोट करो हाउ टू कन्फिगर R2। लिसन भाई, करते हैं, ये टूल है पैकेट ट्रेसर। राउटर लेना आप लोगों ने, वही जेनरी, फर्स्ट सेकंड, ड्रैग एंड ड्रॉप करने। यहाँ पे ऑप्शन है केबल का। राइट तो आप लोगों ने राउटर राउटर कौन सी केबल लेनी है, क्रॉस केबल। राइट सेम डिवाइस है तो क्रॉस केबल यूज होगी, डिफरेंट डिवाइस है तो स्ट्रेट केबल। राइट ये इंटरफेस पूछ रहे हैं किस पे कनेक्टिविटी करनी है, तो हमने क्या लिया F0, फ्रंट में जो भी आपका इंटरफेस हो उस पे आप कनेक्ट कर सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि 0 की 0 पे ही कनेक्टिविटी होगी, कोई भी इंटरफेस आप चूज कर सकते हो, बट होना फास्ट इथरनेट चाहिए। राइट इसके फॉन्ट वगैरह कुछ भी चेंज करना हो, स्क्रीन को ब्लैंक ब्लैक या कलर चेंज करना हो तो ऑप्शन है, और इसमें क्या है, प्रेफरेंस ऑलवेज शो पोर्ट लेवल, नहीं दिखा रहा ना, फॉन्ट चेंज करना हो कलर चेंज करना हो सारा यहाँ से ऑपरेट करना है।
close. No, enable confd hostname r1. ब्लैंक है, डिफाइन करते हैं आईपी एड्रेस इंटरफेस F0/0, देन आईपी एड्रेस. आईपी एड्रेस कोई भी हेल्प चाहिए तो क्या लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क आईपी एड्रेस दीजिए, देन अगेन क्वेश्चन मार्क, क्या डिमांड कर रहा है, सबनेट मास्क, एंटर. नो शट, नो शट का मीनिंग है इंटरफेस बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डाउन. उसको मैन्युअली क्या करेंगे, अप. नो शट से भी काम चल जाएगा, या प्रॉपर आप शट भी कर सकते हो, या शट डाउन, राइट, एज यू विश. एंटर, इंटरफेस अप हुआ है, चेक करने, चेक करने के लिए कमांड है shipy int pref. क्या चेंजिंग है, आईपी भी डिफाइंड हो गया और प्रोटोकॉल क्या रहे, डाउन. क्लोज करो, R2 पे आइए, R2 चेक करो, ब्लैंक पड़ा हुआ है इंटरफेस, डिफाइन करते हैं आईपी एड्रेस इंटरफेस F0, राइट, देन विच वन आईपी, नो शट. नो शट का मीनिंग है इंटरफेस बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, डाउन. मैनुअली क्या करेंगे, एग्री हो, आओ भाई. चेंजमेंट है, प्रोटोकॉल अप. वो प्रोटोकॉल वहाँ पे डाउन इसलिए आ रहा था क्योंकि रिमोट अप नहीं था. R1 का रिमोट कौन था, R2. R2 का रिमोट कौन है, R1. क्लोज. क्या चेंजिंग है, राइट, ग्रीन हो चुके हैं, कनेक्टिविटी डन है. आइए पिंग करो, हंड्रेड परसेंट सक्सेसफुल है. जो ये सिंबल होंगे ये क्या होंगे, सक्सेस के सिंबल होंगे. सेंडिंग 500 byte. विच प्रोटोकॉल, ICMP. बताया था आप लोगों को पिंक के बैकेंड में क्या चलता है, ICMP. ICMP का ये रिप्लाई है, राइट. ICMP आपके पैकेट को फेच करता है. पिंक स्टैंड्स फॉर पैकेट इंटरनेट ग्राफर. ICMP stands for Internet Control Message Protocol. Ping के backend में with service ICMP. और ICMP के backend में क्या चल रहा है, Echo packets, right? और किसको request की गई, 1.1 को. और ये 2 second, within 2 second में क्या चाहिए, acknowledgement. यदि 2 second में acknowledgement आता है, meaning connectivity good, otherwise वो packet क्या हो जाएगा, loss. कौन सा, टोटल कितने पैकेट गए हैं, 5. जो ईच पैकेट का साइज है वो है 20 bytes. 20 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ, 100. तो पिंग का जो साइज होता है वो कितना होता है, 100 byte. अरे आ रहा है ना, राइट. एक पैकेट यदि आपका फर्स्ट पैकेट लॉस हो जाए तो समझ लो सेकंड पैकेट को एक आने में कितना टाइम चाहिए, उसको 2 second. यदि सेकंड का भी एक नहीं आया तो उसको क्या कर देगा वो, लॉस. ये मैंने खुद को पिंग किया था. अब मैं ट्रैफिक को बाहर लेके जाता हूँ, गया, एक पैकेट लॉस हुआ है. लॉस मैकेनिज्म को बोलते हैं आर्प टेबल अपडेट. अब वो कैसे आर्प टेबल अपडेट होगी, कैसे क्या होगा, आर्प कंस्ट्रक्शन, आर्प अपडेट डिस्कस करेंगे बाद में. अगेन पिंग करो, एक ही बार लॉस होगा, आर टेबल अपडेट हो जाती है, डन. एग्री. किसी अननोन आईपी को पिंग करोगे, 1.3 है नहीं,
सक्सेस रेट क्या आया है ही नहीं। तो इस टाइप का डॉट डॉट मीनिंग इशू, इशू तो आपको पता है 1.3 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, आपने जो आईपी डिफाइन की हुई है इसको आपने रिमूव करना है, तो क्या कमांड टाइप करेंगे, इंटरफेस F0/0 नो आईपी ऐड। सिंपल है सिस्को के अंदर फंडा, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है रिमूव करना है तो सिंपल नो लगाना है, चेक करना है। क्या रिमूव है, क्या गया, आपको नीड है देखना। अभी ग्रीन हो गए, ग्रीन इसलिए है कि मैंने क्या कमांड चला रखी है, नो शट। आप कहते हो मैंने इंटरफेस को भी डाउन करना है, तो पर्टिकुलर इंटरफेस में जाइए, क्या था F0 देन शट डाउन राइट एंटर एग्जिट एग्जिट। क्या इंटरफेस डाउन हो चुका है, क्लोज डाउन है राइट। मैं क्या करूं, R2 पे आता हूं और मैंने कमांड क्या कर दी, राइट राइट करते हो तो कल भी समझाया था आप लोगों को बाय डिफॉल्ट कॉन्फिगरेशन कहाँ पे चलती है, DRAM। DRAM स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। यदि आपने राइट कर दिया तो DRAM से उठ के कहाँ पे चला जाएगा वो, NVRAM। और NVRAM होती है परमानेंट, आना एक बार मैंने चला दी राइट और अब डिवाइस को क्या कर दिया, NVRAM स्टैंड्स फॉर एंटर, सेव पड़ा है ना सब कुछ राइट। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरी कॉन्फिगरेशन सेव है, भाई सेव कहां पे हुई है जाके, NVRAM। इसको मैं क्या चाहता हूं, ये इरेज हो जाए, क्या हो जाए, इरेज। तो इसके लिए कमांड नोट करेंगे हम लोग, हाउ टू इरेज NVRAM एंटर, इरेज स्टार्टअप कॉन्फिग। कंटिन्यू एंटर, रिमूव है दोस्तों, डिवाइस को क्या करना है, रीलोड एंटर एंटर। यस और नो, नो कर दो। देखो भाई कुछ भी सेव नहीं है ना, ना आईपी सेव है ना नेम सेव है। तो आप लोगों को स्टेप टू स्टेप भी करा दिया, आईपी रिमूव कैसे करेंगे और प्रॉपर NVRAM को इरेज कैसे करेंगे वो भी डिस्कस कर दिया। अब ये कनेक्टिविटी 2 राउटर्स पे थी, अब सेटअप को इंक्रीज करेंगे, सेटअप बनाएंगे 3 राउटर का। राइट, जो यहाँ पे केबल होगी वो होगी UTP क्रॉस केबल, और यहाँ पे होगी UTP स्ट्रेट केबल, और यहाँ पे केबल होगी UTP स्ट्रेट केबल। एग्री हो राइट। यहाँ पे आईपी डिफाइन करेंगे 1.1, यहाँ पे आईपी डिफाइन करेंगे एक डिफरेंट सबनेट की, कोई भी ले सकते हो, हमारे मास्टर सेटअप रहेगा इसी पे काम करेंगे हम लोग। देन 10.001 R1 R2 R3 स्विच। ये हमारा PC होगा, PC पे रूल है यहाँ पे 10.002 ही IP देनी है, मतलब 10 की सीरीज की, 2 क्या, यहाँ पे 110 ली है आपके लैन में, ये लैन सेटअप होगा तो नीचे IP क्या नहीं चाहिए, 10 की, और उसका मास्क आपको पता ही है क्लास का, और ये क्या जाएगा उसका गेटवे। इसको बोलते हैं IP, इसको बोलते हैं सबनेट मास्क, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट गेटवे। तो यहाँ पे क्या जाएगा भाई, 20
यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पे स्लैश क्या आएगा, है ना? क्लास वाइज आपने सपोज करो एक मशीन और कनेक्ट करनी है, क्या आईपी आ जाएगा? 10.003.2 तो दे दिया ना भाई, देन 4 देन 5, ऐसे आप आईपी। चाहे यहाँ पे आप 1000 मशीन कनेक्ट करनी हो तो एक स्विच है, अगेन स्विच कनेक्ट कर देंगे, कौन सी टोपोलॉजी आ जाएगी? एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। अब हम डिफाइन करेंगे आईपी एड्रेस, जैसे R1 है, R1 पे 2 टाइम्स डिफाइंड होगी। इस इंटरफेस को मैं सपोज कर लेता हूँ F0/0, F0/0, F1/1, F1/1, F2/1, सपोज किया जा रहा है, कुछ भी हो सकता है इंटरफेस, तो वो तो हार्डवेयर पे डिपेंडेंसी है। राइट, तो अब R1 पे 2 इंटरफेस डिफाइंड होंगे, पहला कौन सा होगा? F0/0, और दूसरा क्या होगा? F2/1। कर लोगे? R1 के 2 इंटरफेस हैं, नो शर्ट। राइट, एक इंटरफेस और है, क्या नेम लिया था? F1/1। राइट, राउटर्स पे क्लिक करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब स्विच पे क्लिक करना है, और स्विच ये फर्स्ट वाला लेना है जिसपे 24 मेंशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देन पीसी, फर्स्ट पीसी लेना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। देन कनेक्टिविटी, क्रॉस केबल पूछ रहे हैं, इंटरफेस, ऐसा कोई रूल नहीं है कि 0 की 0 पे ही कनेक्टिविटी होगी, एनी इंटरफेस, बट हम रखेंगे 0 पे ही कि इजी ट्रबल शूटिंग हो जाए। सो F1/0, क्या अवेलेबल F1/0? देन राउटर टू स्विच स्टेट केबल, ये स्टेट है, पूछ रहा है विच इंटरफेस, स्विच के किसी भी इंटरफेस पे कनेक्ट कर दीजिए, 24 इंटरफेसेस हैं। देन अगेन then LAN fast ethernet, जो स्विच पे आपको बताया था ना इंटरनेट कनेक्शन होता है, या यूटीपी क्रॉस केबल के थ्रू भी कनेक्टिविटी समझाई थी, तो किस पोर्ट पे कनेक्ट हो गए?
पोर्ट NIC. देन अगेन अभी डिमांड कर रहे हैं विच इंटरफेस, इंटरफेस अवेलेबल नहीं है भाई. राइट, दो थे, दोनों यूटिलाइज हो गए. तो मैं मॉड्यूलर डिवाइस पे काम कर रहा हूँ, मॉड्यूलर पे काम कर रहे हैं तो दो आप लोग देख लो, दो है, दोनों यूटिलाइज्ड है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड. तो क्या करें, ऑफ. ऑफ करने के बाद टॉप से आना थर्ड नंबर अवेलेबल है जिसको बोलते हैं मॉड्यूल, और ये लैन मॉड्यूल कनेक्ट कर लें. हो गया ना कनेक्ट. तो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है ना, ऐसा ही है ना भाई. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ हो गए. तो जीरो से स्टार्ट करें तो क्या बनेगा, सिक्स्थ ना. तो देखते हैं सिक्स्थ पे दोबारा इसको क्या करना पड़ेगा, ऑन ऑन करो और चेक करना क्या अवेलेबल है. सिक्स्थ अवेलेबल है ना, आओ भाई अवेलेबल है सिक्स्थ. देन अगेन कनेक्ट कर दो फास्ट इथरनेट पे. किसी भी पोर्ट पे आइए, राउटर पे R1. सबसे पहले बेटर होगा होस्ट नेम चेंज किया जाए तो हमें पता रहेगा हम कहाँ पे वर्किंग है. कॉन्फ्टी इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस. नो शट. नो शट का मीनिंग है क्या है बताओ, इंटरफेस डाउन है, उसको मैन्युअली क्या करेंगे आप. एंटर. एक और है विच वन F1/0 IP एड्रेस. विच वन, नो चेक करना है. डिफाइंड है, ये स्विच पे कनेक्टेड है इसलिए आप आ गया, ये राउटर पे कनेक्टेड है ये डाउन पड़ा है क्योंकि इसका रिमोट डाउन है. स्विच बाय डिफॉल्ट अप ही होता है. ठीक है, R2 क्या IP आएगा, नो एग्री. ये इंटरफेस डिफाइन कर दिया. अब करते हैं F6. ऑर्डर कुछ मेंटेन नहीं करना है कि पहले ये आएगा बाद में ये आएगा, डिपेंड्स ऑन यू. इंटरफेस F6/0 IP एड्रेस. विच वन, 20 देन नो राइट. एक इंटरफेस और है विच वन, F1. आओ भाई इंटरफेस F1/0 IP एड्रेस क्या आएगा. नो शट, ये डिफाइन कर दिए R2. जो लोग नहीं कर पाए थे नोट कर लो. करें स्टार्ट. डिजाइंड है डाउन पड़ा है, डाउन इसलिए कि R2 से R3 अभी कॉन्फ़िगर्ड
नहीं नहीं हुआ हुआ है। है। ठीक है। नौशट। नेक्स्ट क्या है? विच वन? राइट डिफाइंड है। ठीक है, चेक करना है, नोट करना है। आर थ्री ये लीजिए, आर थ्री नोट कर लो जिसने नहीं किया था। डिफाइंड है। क्या करना है? पीसी पे आना, डबल क्लिक करना और क्या ऑप्शन आ रहे हैं? आईपी कॉन्फ़िग, आईपी डिफाइन कर दो। आईपी 10.0.0.2 मास्क आ जाएगा ऑटोमेटिक, गेटवे 10.0.0.1। डबल क्लिक करो, यहाँ पे आईपी क्या आएगा? 20.0.0.2 गेटवे 20.0.0.2। बोलो। आप लोग मल्टीपल मशीन लगाना नीचे, 7-8 मशीन पिंग कर कर के देखना किस किस को पिंग जा रहा है किस को नहीं। आइए राउटर पे, फुल कनेक्टिविटी है, आप आ रहे हैं? पिंग करते हैं, रीचेबल है 1.2, रीचेबल है। इसका मीनिंग आर वन ने आर टू को पैकेट हिट कर दिया, राइट? एक पैकेट जो लॉस हुआ है उसको बोलते हैं आर टेबल अपडेट, राइट? आर स्टैंड्स फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और एक और होता है ना आर ए आर पी, उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन। एग्री? समझाएंगे ए आर पी एंड आर ए आर पी। जा रहा है ट्रैफिक, पिंग करते हैं सेल्फ को, रीचेबल। पिंग करते हैं रीचेबल, एक पैकेट लॉस हुआ है, आर टेबल अपडेट करेंगे डिस्कस। अगेन पिंग करो, रीचेबल है। ये रीच क्यों किया है? क्योंकि दोस्तों राउटर पे क्या होती है? राउटिंग टेबल, राइट? इस राउटिंग टेबल में जो जो राउट एग्जिस्ट करेगा उसी पे ट्रैफिक जाएगा। तो अब देखिए कौन कौन सा नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहा है। एक 10 का एग्जिस्ट कर रहा है और एक 192 का एग्जिस्ट कर रहा है। इसी पे ट्रैफिक हिट करेगा, ना 20 पे ट्रैफिक जाएगा, ना 30 पे ट्रैफिक जाएगा और ना 142 पे ट्रैफिक जाएगा। यू कैन से राउटिंग टेबल, यू कैन से लुकअप टेबल, यू कैन से फॉरवर्डिंग टेबल,
राइट करना पिंग नहीं जा रहा ना, क्योंकि मेरी राउटिंग में ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। राइट इसको रीचेबिलिटी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? राउटिंग। चलते हैं आर टू पे। शो आई पी राउट यहाँ क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है? 20, 142 एंड 192। ना तो 10 एग्जिस्ट कर रहा है और ना 30। उस एग्जिस्ट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? राउटिंग। तो पिंग करूं, 10 मेरे पास है बट पिंग नहीं हो रहा क्योंकि आर टू के पास नहीं है। ये नेटवर्क रीच ही कहाँ पे करेगा? 20, 142 एंड 192। राइट ना 10 एग्जिस्ट कर रहे हैं, ना 20 एग्जिस्ट कर रहे हैं और ना 192 एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके लिए क्या यूज करेंगे? राउटिंग। पिंग कर लो, 30 पे ट्रैफिक जाएगा, जा रहा है, बट मैं पिंग करूं 10 पे नहीं जा रहा। ठीक है, एंड मशीन से नोट करो, थ्री टाइप्स ऑफ राउटिंग। थ्री टाइप्स ऑफ राउटिंग, पहली होती है डिफॉल्ट राउटिंग, सेकंड होती है स्टैटिक राउटिंग और थर्ड होती है डायनेमिक राउटिंग। ठीक है,